भाई सबसे पहले तो आपका आने का धन्यवाद और सभी भी देखने वालों को आज जोड़ के राम 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 जी भैया तो पहले बताना चाहिए सबसे पहले तो आता है आपके पास पशु कैसा है कितने लीटर दूध वाला पशु है आपके पास पशु ही कमजोर है तो फिर दूध कहाँ से बनेगा अच्छा तो पहले तो ऐसे ही पशु रखने चाहिए देखो इनमें जैसे प्योरिटी दिख रही है अभी ये पशु में एक हफ्ता के करीब डिलीवरी होने में है अच्छा अच्छा और

बिल्कुल और जैसे पशु में देखने के लायक है इधर देखो जैसे एक तो ऑर्डर ठीक है देखो मिल्क वैन देखो इसकी बिल्कुल ठीक है फिर ये ऑर्डर वैन, है।, है।, तो जीज़ा तो जीज़ा तो वैन है।, है ठीक है उसके ऊपर जैसे जो पशु हैं दस बारह लीटर के उनके तो मिल्क वैन पाएंगे इतनी तो इसके ऊपर ऑर्डर वैन है जो साइज है वो बिल्कुल मिल्क वैन है बहुत बढ़िया ठीक है और फेस क्वालिटी देखो बच्चे की बोलने को इसको फर्स्ट बोल दो सेकंड बोल दो पर एक्चुअल में ही थर्ड है थर्ड है ठीक है और आप भी देखो कितनी मासूम और कितना ही अच्छी प्योरिटी आ रही है बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया तो ऐसे पशुओं का भी ये है और इसके हमने वर्ल्ड वाइड का लगाया है आने वाला जो बच्चा है वो इससे काफी अच्छा आएगा इससे इंप्रूव करेगा ठीक हाँ। है अब बोल देते हैं मेरे के दस लीटर दूध है मैंने वर्ल्ड वाइड का टीका लगाना है दस वाले के वर्ल्ड वाइड का लगा लेते किसी का लगा ले वो तो बहुत टाइम लग जाएगा टाइम मतलब कई सारी आपको ब्रीड ना मतलब अगला हाँ। बच्चा फिर करने में छह सात जनरेशन लग जाएंगे उस दस बारह लीटर को बिल्कुल ठीक है दस रखते हो पंद्रह रखते हो उसकी जगह दो रख लो पांच रख लो एनिमल कोई जरूरी नहीं है कि आप बीस रखो क्वांटिटी की क्या जरूरत है क्वालिटी रखो क्वालिटी होनी चाहिए हाँ जी ठीक है फोन मेरे भी पास आते हैं जो सुरजीत मलिक भाई के आवाज आ रहे थे वो की वो एक्चुअल बात है वो तकरीबन बाहर से फोन आते है हमारे दस लीटर दूध की, की गाय है कौन सा सीमंड लगाए हमारे पांच लीटर की हमारा दूध नहीं बद रहा नहीं। अरे दूध तो बदना था वो बद लिया जब ये खरीदी थी उसे टाइम दूध लिया फिर इसमें कौन सा सीमन डलवाया उससे बनेगा दूध बिल्कुल बिल्कुल तो ये चीजें है छोटी छोटी अब देखो जैसे कहते हैं मेरे पास अच्छी है मेरे पास अच्छी है मैं तो खुद के पास मैं कह रहा हूँ मेरे पास प्योरिटी नहीं है बिल्कुल अच्छा ये मेरा खुद का पीक लेवल अब तक जैसे अठावन साठ के करीब गया है अच्छा जी और खूब मेहनत कर ली बिल्कुल कहीं ना कहीं पे कमी जरूर है पशु में भी कमी नहीं दिख रही मेरे को मैनेजमेंट में फिर भी मेरे को नॉलेज उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए फिर भी कमी क्योंकि है। मैं मेले में जाता हूँ जैसे पीड़े में देखा दो हजार अठारह के में सत्तर किलो तीन सौ साठ ग्राम दूध निकाल रखा है गाय का अच्छा जी वो भी तो अच्छे पी थी किसी की गाय थी बिल्कुल आज उस बात को तीन साल है इम्प्रूव हो रहा है फर्स्ट ब्यात की दो दांत की बछड़ियों ने अड़तालीस बावन लीटर दूध निकाल रखा है अच्छा फर्स्ट टाइमर का First तो time. वो भी रिकॉर्ड है और 2018 में जैसे हम गए थे पी डी तो वहाँ भाई से उनकी गाय ने निकाला था अच्छा सत्तर किलो तीन सौ साठ ग्राम दूध यहाँ पे हम मौजूद थे थी। बिल्कुल ठीक है तो मैं खुद कमिया ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे कहाँ पे ऐसे है? मत को मेरे पास तीस लीटर दूध क्योंकि मेरे तो टॉप है मेरी ये है ऐसा नहीं है एक बार ये भी बता दो मेरे व्यूअर्स को कितने साल पुराना आपका काम है मेरा मैन मैन तो आप समझो नौ दस से वैसे में सात में आ गया था इसके अंदर दो हजार सात से हाँ। मतलब लगभग तेरह चौदह साल हो चुके हैं हाँ जी हाँ जी देखिए चौदह साल के बाद भाई का अब भी वो पीक नहीं हो पाया जो रिकॉर्ड में होते हैं लेकिन साठ लीटर काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है लेकिन फिर भी अपने काम से सेटिस्फाई नहीं है लगातार कोशिश करते हैं कि और ज्यादा इम्प्रूव किया जाए ब्रीड को मतलब खुद को कमियाँ कहीं पकड़ में नहीं आ रही है लेकिन फिर भी रिजल्ट में कहीं ना कहीं कमियां हैं तो इसमें सीखने की हमेशा जरूरत रहती है ठीक है भैया मैं दूसरा एनिमल देखना चाहूंगा इसके बारे में ये कौन सी आपका जो बार ये डिलीवरी करेगा ये भी थर्ड बार है भाई जी थर्ड टाइम करेगा ठीक हाँ है और, और सेकंड में इसने कर रखा है पैंतालीस छियालीस लीटर दूध जी पैंतालीस छियालीस लीटर हाँ जी अभी इसका पंद्रह दिन डिलीवरी में बाकी है अच्छा जी अब देखो वो ही बातें फिर आ रही है अर्डर वन देखो कितनी मोटी हाथ भर के ये अर्डरवेन है बिल्कुल जो मिलक वहन है ये हाथ ही कितनी है बिल्कुल तो ये चीजें देखने की है ऐसे ही नहीं अभी पंद्रह दिन में जैसे डिलीवरी करेंगे तो इतनी हो जाएगी चला भी ना जाए चला नहीं जाएगा ठीक है बिल्कुल तो ये है अच्छा, तो ये, ये कौन सी सीमेंट की ये इसकी भाई नॉलेज नहीं है सीमेंट की उस टाइम पे जैसे रिकॉर्ड नहीं दे रहे थे अच्छा रिकॉर्ड वैसे मेरी गाय की है अपनी गाय पे गई ये माँ पे अच्छा माँ से बद के आई है क्रॉस में है ये वैसे प्योरिटी में ज्यादा नहीं है अच्छा क्रॉस ब्रीड जो बोलते हैं वो दूध के मामले में बहुत अच्छी है। इस पे कौन का है, जी। का। हाँ जी। है अच्छा ठीक है अगला एनिमल्स और दिखाओ देखिए भाई के सुधीर भाई के ना एक से एक टॉप एनिमल्स होते भाई थर्ड में कामिंग करेगी ठीक है इसके पच्चीस दिन डिलीवरी के अभी बाकी है पच्चीस दिन बाकी है हाँ जी ठीक है और इसमें सेकंड में इसने पचास लीटर दूध दे रखा है सेकंड में पचास दिया हाँ जी है। तो एक बार जब नेक्स्ट बार डिलीवरी करती है तो कितना इम्प्रूव हो जाता है लीटर दूध का देखो इसमें भी दो तीन कारण है कई पशु जैसे छोटी उम्र में प्रेगनेंट करवा अच्छा और छोटी उम्र में डिलीवरी कर जाए या डिलीवरी में कोई दिक्कत हो जाए अच्छा। उस टाइम पे पशु थोड़ा सा पीक पे ना जान पावे अच्छा अच्छा तो अगले में ज्यादा इंप्रूव कर दे अच्छा अगर पशु थोड़ा सा हैवी करके भी आते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा कम करे। कम करता लेकिन होता है जिस दस दस पाँच पाँच पंद्रह लीटर तक प्लस हो जाती है इतना हो जाता है तो अभी भी ये देखो इनका अनुमान है कि लम समय इसका पचपन साठ के करीब रुक जाएगा पचपन साठ जाएगा और वही चीजें हैं जी देखो जो सेम जो चीजे हैं जो देखने होगी मिलक वैन देखो अर्डर वैन बहुत, बहुत काफी अच्छी है बहुत बढ़िया तो ये चीजें जो बताती हैं जो ब्रीड के बारे के दूध के बारे में इन्हीं से दूध बनता है ठीक है इस पे ये कौन से की है और कौन इसमें रखवाया है है ये ये बताओ जी उस टाइम की ना उस टाइम के सीमनो का रिकॉर्ड था नहीं है अपने पास अच्छा रिकॉर्ड था एक्चुअल हाँ ठीक है तो था अच्छा अपने मन में तो अच्छा करके दिया था सीमेक्स के सीमन ले आए थे लेकिन हमें पता नहीं है कौन से थे। बिल्कुल बहुत बड़े तो अभी ये इसमें वर्ल्ड वाइड का है वर्ल्ड वाइड का हां मिलर पीस है वर्ल्ड वाइड के से प्रेग्नेंट अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया ठीक है ठीक है।, है अगला एनिमल और दिखाओ अगला ये है जी सेकंड में भी आएगी सेकंड टाइम ठीक है जी फर्स्ट में 32 33 लीटर दूध दे रखा है अच्छा अच्छा और अब क्या है जैसे 40 45 42 के आसपास में

अच्छा ये तीसरा ये जो आगे हो गया ये पशु इसका और बताओ ये जी थर्ड में काविंग करेगी अच्छा दूध रिकॉर्ड इसका थोड़ा कम है इसने दूध तीस लीटर दे रखा है सेकंड में अच्छा जी अभी थ्रड भी थर्डी ये रिकॉर्ड नहीं है रिकॉर्ड नहीं अंदर इसके भी वर्ल्ड वाइड लगा रखे वर्ल्ड वाइड हाँ जी ठीक है बहुत बढ़िया इससे आगे ये इससे आगे ये ये भी थर्ड में भी आएगी जी अच्छा जी इसका रह रहे हैं चौबीस पच्चीस दिन जी ठीक है और दूध का लेवल इसका भी काफी अच्छा है चालीस के करीब दूध दे रखा है इसने। चालीस दिया है हाँ जी। तो वो ये पैंतालीस तो अड़तालीस के आसपास 45 के आसपास तो चली जाएगी आराम से अच्छा अच्छा और वो सेम के लिए इसके भी ये एक था ना इसका मोटा दिखाई दे रहा है ये वो थोड़ा बच्चा था वो बच्चा ले गया इसके अच्छा। नजदीक जैसे बच्चा था अच्छा तो बच्चा होगा ये गलती हो जाती है जैसे लेबर ने देखा नहीं अच्छा गाय खुल के चली गई और वो बच्चा लग गया फिर उससे क्या हो जाता है दिक्कत बनेगी इसमें? दिक्कत तो अभी नहीं बनेगी पर जो चीज में तैयारी आनी थी अच्छा सेम बराबर होना चाहिए बराबर होना था अच्छा अच्छा कुछ नहीं अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा जी ठीक है बहुत बढ़िया भाई के पास एनिमल्स काफी अच्छे बेहतरीन हैं और इनकी क्वालिटी काफी अच्छी रहती है खुला पिला के मतलब मस्त रखते हैं ठीक है इससे आगे वाले ये ये कौन ये फर्स्ट फर्स्ट टाइम टाइम की है जी डिलीवरी कर रखी रखी है जी इसने कर है कितने दिन की हुई है ये होगी जी पंद्रह दिन के आसपास अच्छा अच्छा और अपने फार्म की सबसे हल्की बच्ची यही है जी अच्छा जी और खुद ये चालीस एक सौ बीस सीमन की एनडीडीबी के अच्छा और इसके अंदर वर्ल्ड वाइड का लगा रखा था मेल काफ दिया है अच्छा मेल काफ दिया है। तो अपने फार्म की सबसे जो लो क्वालिटी है लो दूध में है, वो ही है वो अब जैसे कहते हैं कि ये है वो 25 किलो दूध तैयार है फर्स्ट टाइमर बछड़ी है अच्छा अर्डर देखो कितनी अच्छी है सब चीज बहुत अच्छा है बिल्कुल मिलक वहन भी अच्छी है भी देखो फर्स्ट टाइमर है बिल्कुल पर फिर भी हम इसको जीरो मानते हैं क्यों क्या बात पच्चीस लीटर दूध में क्या करेंगे जी रख के हाँ सेम इतनी खिलाई पिलाई में पशु इतनी खिलाई पिलाई कर रहे हैं वो ही केयर करनी है वो ही लेबर ने खर्चा करना है सारी चीज वही है मेंटेनेंस अच्छा, है अच्छा, उन्ही के साथ रहना है अच्छा, कुछ अंतर है बस एक दो, किलो फीड का अंतर है अच्छा बाकी तो भूसा सा जो भी चीजें जानते है वो सारा सेम खाती है सेम खाते हाँ तो फिर आगे बच्चे तैयार करेंगे अच्छा तो ये पहले ये खुद थोड़ी सी लोग आए की थी अच्छा तो ये भी लोही बनी वो ही है इसी सीमन की बच्चा मेरे पास चालीस बयालीस किलो दूध भी दे रही है इसी सीमन की है पच्चीस पे रहेगी क्या भैया क्या फर्क रहा है फिर मतलब ये फर्क जैसे माँ का फर्क रहेगा अच्छा माँ का फर्क रहेगा इसकी सीमे... माँ जैसे तीस लीटर दूध की थी उसकी माँ पचास लीटर दूध की थी तो वो वो ही फर्क आ गया इनके अंदर हाँ, खुद माप प्योर क्वालिटी नहीं देखो दोनों चीजों के आएंगे जींस तो दोनों के आएंगे बाप भी ठीक ठीक है है तो ये तो संभव है हालांकि वैसे ऑर्डर में सब तरह बहुत अच्छी हाइट लेंथ देखो फर्स्ट टाइमर है मेरे मान जा रही है बिल्कुल बिल्कुल सही है तो बस इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आप फोन आते हैं बार बार कहते है पंद्रह लीटर की है बहुत अच्छी है ये है दस लीटर की अच्छा कहाँ है अच्छी वो हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा है बिल्कुल बिलकुल सही है तो भाई बच्चे अच्छे को पालो ऐसे खिलाने से मेहनत करने से फार्म चलाने से ऐसे फार्म नहीं चलेगा हाँ बिल्कुल जानकारी होनी हाँ चाहिए अच्छा पशु खरीदने, अच्छी क्वालिटी के खरीदे जी तो ये ये बताओ आपके पास जो एक्स्ट्रा पशु होते हैं आप उनको सेल भी करते हो बाई कर देते हैं इस टाइम पे जैसे सेल कर देते हैं इस टाइम पे सेल करते हो और जैसे पीछे भी बताया था आप भी बताया था अपना जो ब्यात है वो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ऐसे ही बनता है अच्छा अच्छा तो इस टाइम पे कुछ पशु एक्स्ट्रा होते हैं तो दे देते हैं अपनी लिमिट जैसे हमने पचास पशुओं की पचास ही कर रखी है तो ऐसे भी ऐसे भी होता है में जो पशु बेकार होते हैं उनको सेल करते हैं नहीं न नहीं वो तो प्राइस पे जो कस्टमर के जैसे वो हो जाएंगे उसमें क्या हो जाता है मतलब कम करने बराबर अपनी मेंटेन रखनी है संख्या नहीं दस पशु हैं ठीक है ऐसा तो नहीं होता कि फार्म में दस के दस ही कैंडम है।, है दस बेचने दस थोड़ी है एक आध हो जाता है पर इनमें जैसे ये है इनमें से कोई देखो कितनी अच्छी है कितनी बूढ़ी सबकी दिखाऊंगा जो जो ब्यायेंगी सभी की मैं आप लाइव भी करवा दूंगा अच्छा अच्छा कोई अच्छा, दिक्कत नहीं मिलती है।, है तो क्या प्राइस रेट होता है इनका प्राइस तो जी पशु पे है अच्छा पशु अब कई बंदे जैसे छोटे रेंज के लिए फोन कर रहे हैं भाई एनिमल दो बीस लीटर पच्चीस लीटर अच्छा अब इसी बच्ची पच्चीस लीटर दूध की फर्स्ट टाइम रहे तो पैंतीस लीटर की तो बनेगी ये भी बिल्कुल ठीक है पच्चीस की बन जाए खूब लो रहेगी एक थर्ड में ले लें तो वो पच्चीस के लिए तो वो पच्चीस की रहनी है बिल्कुल तो उसकी पच्चीस पे दूध पे तुलना मत करो पशु का आर्डर भी देखा जाए है ब्यात भी देखा जाए है बॉडी भी कोर भी कैसा क्या कुछ खाली दूध से पेमेंट थोड़ी होती है बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे पशु जैसे फर्स्ट टाइमर के पशु के अलग रेट होंगे और बड़े पशु के अलग रेट रहेंगे इस बछड़ी की माने तो ये बछड़ी आप मानो आपके करीब अच्छा सेल होगी ठीक है और इसी टाइम की अच्छी बछड़िया हो जैसे तीस लीटर पैतीस लीटर जो बछड़ी देते वो लाख पे भी चली जाए सवा पे भी चली जाए अच्छा अच्छा यानी कि समझोगे अपने पास साठ हजार रूपए से लेके और डेढ़ लाख रुपए तक के पास देखिए सुधीर भाई, भाई के पास हाँ मेरे पास बहुत से लोग मैसेज भी करते हैं मेल भी करते हैं और मैं उनको बताता भी हूँ कि पशु मेरे से पूछते भैया किससे खरीदें तो मैंने ज़्यादा डेयरीज की वीडियो वैसे बनाई भी नहीं है लेकिन मैं किसी सेलेक्टेड लोगों की बना लेता हूँ जिनकी पहले पुरानी बना रहा हूँ और सुधीर भाई पर मेरे को भरोसा है क्योंकि ये मतलब मेरे जैसे ही बंदे मेरे को लगते हैं और आसानी से आपको जो एनिमल दिखाएंगे मतलब वो सेम चीज़ मिलेगी आपको तो अगर आप चाहें तो यहाँ से आप आके इनके पशु खरीद सकते हैं जो भी इनके पास अवेलेबल हैं दो चार पाँच दस जो भी होते हैं जो एक्स्ट्रा इनसे जो लोड बढ़ जाता है उनको ये सेल करने की कोशिश करते हैं तो सुधीर भाई धन्यवाद आपका वीडियो ये आने के लिए जानकारी शेयर करने के लिए